हेलो फ्रेंड्स, आपके दिल की धड़कने काफी तेजी से बढ़ रही होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके एसएससी जेई एग्जाम की। एसएससी जेई एग्जाम 2024 बिल्कुल पास में आ गया है और ऐसे में आपके पास सिर्फ ऑनली 7 डेज ही बाकी रह गए हैं। आप सभी यूट्यूब चैनल्स पर देख रहे होंगे कि सब अलग अलग क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं। कोई टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा है, कोई टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में काफी ज्यादा सवाल यहाँ पे बन रहे हैं कि सर लास्ट 7 डेज में हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। ये स्ट्रेटेजी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है, और ऐसे स्टूडेंट जिनका सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। लास्ट के जो 7 डेज है, क्या आपके कैरियर को बदल सकते हैं? जी हाँ, बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे बनता है, क्या सर हमें लास्ट के 7 डेज में क्या एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए या सर लास्ट के 7 डेज में हमें रिविजन करना चाहिए? अगर सर हमें रिविजन करना चाहिए तो हमें कैसे रिविजन करना चाहिए, और अगर हमें एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए तो हमें कौन से एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए? क्या एमसीक्यू सॉल्व करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा लास्ट के 7 डेज में? ये भी सवाल है। क्या रिवीजन करके आप अपना क्वेश्चन का सही आंसर दे पाओगे? ये भी एक सवाल है। तो बिल्कुल मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा और जानिएगा इन दोनों ही क्वेश्चन के सवाल, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे जब भी स्टूडेंट तैयारी करता है तो तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से करता है। उसको लगता है कि सर मुझे एसएससी जेई क्रैक करना ही है, बट एंड आते आते क्या करता है, वो अपना 80% सिलेबस ही कंप्लीट कर पाता है। सिर्फ 5 से 10% स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होते हैं जो अपना पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो आप निराश मत होइएगा, जो 90% स्टूडेंट है उनका भी सिलेक्शन हो जाता है, और जो आपके पास 5 से 10% है उनका भी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, क्लियर है? तो जो लास्ट के 7 डेज है, लास्ट के 7 डेज में क्या एमसीक्यू सॉल्व करके आप सिलेक्शन ले पाओगे? जी नहीं। लास्ट के 7 डेज में आप चाहे जितने मर्जी एमसीक्यू सॉल्व कर दो, क्या हो सकता है ऐसा कि सर जो एमसीक्यू आपने कवर किया है वही एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाएगा? ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके CBT 1 की, तो CBT 1 में आपके पास टोटली 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से अगर हम बात करते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस में आपके पास 100 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चंस आपके पास 1 मार्क्स का होता है। आप 100 क्वेश्चंस के लिए अगर आप 7 दिन में 1000 क्वेश्चंस को भी कवर करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। हो सकता है उन 1000 में से सिर्फ आपके पास 10 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपने 1000 क्वेश्चन कवर किए थे। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? ऐसे में लास्ट के जो 7 डेज में है, आपको सिर्फ रिवीजन करना चाहिए। और रिवीजन के लिए भी आपको क्या करना चाहिए सर? आपको मैराथन वीडियोस लगाने चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि सर आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा, कम से कम अगर आपका 100% कवर नहीं होगा सब्जेक्ट, तो 80-70% तो आप बिल्कुल वहां से कवर कर सकते हैं। आपने यूट्यूब चैनल्स भी देखा होगा, कहीं ना कहीं आप किसी चैनल के साथ पढ़ते होंगे तो वहां पे उन्होंने सबने अपनी अपनी मैराथन डाली होगी। जैसे आपका हो सकता है एनवायरमेंटल का मैराथन डाला है, सॉयल मैकेनिक्स का मैराथन डाला है। अगर आप लास्ट डेज में उस मैराथन को भी पढ़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं आप फील कर पाओगे कि सर हमारा सिलेबस कंप्लीट है। और अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे तो आपका बिल्कुल भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। जिन्होंने एमसीक्यू सॉल्व करना होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सॉल्व करते आ रहे हैं, जब से उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया होगा। तो ऐसे में सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ रिविजन करना है, और रिविजन के लिए भी आपको मैराथन वीडियोस लगाने हैं। मैराथन वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएंगे, ठीक है? बहुत सारे यूट्यूब चैनल में अपने अपने मैराथन डाले हैं सिविल के, वो सिविल के सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट को चूज करना है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट कैटेगरी में हम डिवाइड किए हैं यहाँ पर। सिविल के एक मेजर पोर्शन होता है और दूसरा आपके पास माइनर पोर्शन होता है। सबसे पहले आपको मैराथन 3 सब्जेक्ट के लगाने हैं जो कि हमारे पास मेजर सब्जेक्ट है। मेजर सब्जेक्ट्स में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर कि कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, जैसे आपका सॉयल मैकेनिक्स हो गया तो आप सॉयल मैकेनिक्स की मैराथन लगा दीजिएगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया उसकी मैराथन लगा दीजिएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया उसकी मैराथन लगा दीजिएगा, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन उसकी मैराथन लगा दीजिएगा, RCC की मैराथन लगाइएगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की मैराथन लगाइएगा, और सॉम की मैराथन लगाइएगा, क्लियर है? इनको मैराथन लगाने से आपका कम से कम 70-80% टेक्निकल पोर्शंस आपका कवर हो जाएगा, क्लियर है? इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में स्टोर होगा। बट क्वेश्चन को लगाने से क्या होगा, क्वेश्चन को लगाने से सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं हो सकता है। सिर्फ 5 से 10% क्वेश्चन ही आपके रिपीट हो सकते हैं, बट अगर जो हमारा कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट थ्रू आपका बार बार क्या होता है, रिपीट
रिपीट होता है। जो सॉइल मैकेनिक्स की प्रॉपर्टीज है वो कभी चेंज नहीं हो सकती है। जो प्रॉपर्टी आपने एक बार पढ़ी है उन्हीं प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के पूछे जा सकते हैं डियर, क्लियर है। उसके बाद आता है माइनर सब्जेक्ट, और माइनर सब्जेक्ट में हम बात करते हैं आपकी WRE की, सर्वे की, DSS की, एक्सेट्रा, क्लियर है। तो इस तरह से जो लास्ट के 7 डेज है तो आप अपना सिलेबस बिल्कुल आसानी से कवर कर सकते हैं। सर पर डे आपको कितनी मैराथन लगानी है? पर डे किन्हीं 2 सब्जेक्ट की मैराथन आपको यहाँ पे कवर करनी है, क्लियर है। मैंने 7 डेज का प्लान आपको बताया, ठीक है। फर्स्ट डे में आपने क्या किया सर? हमने फर्स्ट डे में हमने 2 सब्जेक्ट की मैराथन लगा दी, बिल्कुल सर। कौन कौन से सब्जेक्ट की मैराथन लगा दी आपने? सपोज करो आपने सॉइल और इन्वायरमेंटल की लगा दी, 2 मैराथन्स होगी। सेकंड डेज में आपने फिर 2 मैराथन लगा दी, किसकी सर? फ्लूइड मैकेनिक्स की लगा दी, और आपके पास बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस की लगा दी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उसी तरह से थर्ड डे पे, कि थर्ड डे पे आ जाते हैं तो थर्ड डे पे हम अगेन 2 लगाएंगे, ठीक है। RCC हो गया आपके पास और ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फोर्थ डेज में हम फिर जाएंगे सर किस पे? सॉम पे जाएंगे हम, और WRE पे जाएंगे, ठीक है, ये हो गया आपके पास। और जो हमारा फिफ्थ डे होगा, फिफ्थ डे में आप किस पे जाएंगे सर? सर्वे पे जाएंगे और आपका DSS पे जाएंगे। यानी कि 5 दिन में आप पूरा का पूरा सिविल का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी किसके थ्रू? सर अपने मैराथन वीडियोस के थ्रू, क्लियर है। हालांकि मैं भी आपके लिए मैराथन लेके आऊंगा जिसमें हम RCC, DSS, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट की बात करेंगे, क्लियर है। तो 4 सब्जेक्ट की मैराथन आएगी और सब्जेक्ट की मैराथन भी आपको आएगी, बट आपको ये चीज देखना है कि सर किसमें आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। सर क्वेश्चन को कवर लगाने में फायदा होगा या सर हमको मैराथन वीडियोस लगाने में फायदा होगा? तो बेटर वे है कि लास्ट के जो 7 डेज है, 7 डेज में से भी आप 5 डेज क्या लगाइएगा? मैराथन वीडियोस लगाइएगा। मैराथन वीडियोस ज्यादा नहीं होते, आपके पास 3 से 4 घंटे का मैराथन होगा, और एक दिन में अगर आप 2 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं तो कम से कम आप 8 से 9 घंटे अपने मैराथन वीडियोस को दीजिएगा। इसके अलावा 24 आवर में से 9 घंटे अपने मैराथन को दे दिए हैं, अब बचे आपके पास 15 आवर। 15 आवर में से आप 6 to 7 आवर्स आपका स्लीपिंग टाइम के लिए चला जाता है, उसके बावजूद भी आपके पास 7 से 8 घंटे बचते हैं। उन 7 से 8 घंटे में आप चाहो MCQ सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहो तो कोई टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, और टेस्ट सीरीज भी आप कौन सी लगाइएगा? फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाइएगा, क्लियर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये जो मैराथन का जो मेरे पास पार्ट है, कितने घंटे का आपके पास? सिर्फ ये 8 से 9 घंटे का मैराथन है, ठीक है। अब जो बाकी है आपके पास 6 to 7 आवर्स, ये आपका स्लीपिंग टाइम के लिए गया है, और जो हमारे पास 4 से 5 घंटे आपके पास रिमेनिंग बचते हैं उनमें आप क्या कीजिएगा सर? उनमें आप सिर्फ अपने टेस्ट सीरीज लगाइएगा, और टेस्ट सीरीज भी कौन सी सर? फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाइएगा, ठीक है। तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आपके पास कितने? 2 घंटे का टेस्ट होगा, तो अगर 4 से 5 घंटे बोल रहे हैं तो यहाँ पे आप कोई 2 टेस्ट लगा सकते हैं एक दिन में, क्लियर है। एक दिन में आप 2 टेस्ट लगाना है और 2 मैराथन सब्जेक्ट की आपको वीडियोस कवर करनी है। अगर आप इतना कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शंस का क्राइटेरिया है उसमें आप सक्सेसफुल इजीली पा सकते हैं डियर, तो क्लियर है। तो बेटर है लास्ट के जो 5 डेज है, 7 डेज है, इनको किस तरह से यूटिलाइज करना है? बिल्कुल इसी वे में यूटिलाइज करना है, और अपने सब्जेक्ट की मैराथन वीडियोस को ही पहले कवर करना है, क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।